तो फाइनली हमारे साथ स्टूडेंट हैं। अब ये जो वीडियो आप देखेंगे कंटिन्यू, ये आज हमारी पूरा 4G CPU के ऊपर क्लास थी और सारे स्टूडेंट यहाँ पे कर रहे हैं। अब सबका वन बाय वन रहेगा रिव्यू। तो बताइए आपका नाम और कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम दीपक है और मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी वेस्ट से हूँ। दीपक जी, आज चौथे दिन की क्लास है। यस सर। क्या कराया जा रहा है आज? हाँ सर, मैंने ऑन बोर्ड से, मतलब मेरा फ़ोन ऑन था जी, उस फ़ोन में से मैंने CPU निकाल के उसे रिबोल करके दोबारा से उसमें मतलब लगाना था। मतलब आज पूरा दिन माउंट रिमाउंट की क्लास थी और एक चालू बोर्ड से CPU निकाल करके कैसे लगाना है, कैसे निकालना है। तो हम जब बोलते हैं कि हम चौथे दिन में लाइव CPU निकलवा के लगवा देंगे, तो आपसे वो ऑन हुआ कि नहीं हुआ? पहले फ़ोन दिखाइए, फ़ोन का बोर्ड दिखाइए पहले। ये मेरी PC है, ये देख सकते हैं इन्होंने काम किया हुआ है। आपने काम किया भी है कि ऐसे ही? नहीं सर, ऐसा नहीं, मैंने काट के दिखा दिया। नहीं नहीं सर, पूरा मैंने निकालने के बाद। तो अभी ऑन है कि नहीं है? यस ऑन है सर। कितनी बार में चालू हुआ है ये? एक वन टाइम। चलिए दिखाइए। इससे पहले करते थे IC लेवल का काम? नहीं सर, नहीं करते थे। कैसा लग रहा है अभी IC लेवल पे काम करके? अच्छा लग रहा है। यस सर। अगर ये एक बार में चालू नहीं होता तो फिर से ट्राई करते। मेन यहाँ पे चालू करना नहीं है, मेन आपको है कैसे ऑन कैसे लगाते हैं, कैसे निकालना है, क्या एयर होना चाहिए, क्या हीट होना चाहिए, ये सीखने आए हैं चालू करने आए हैं? नहीं सर, सीखने के लिए। वेरी गुड। जो एशिया टेलीकॉम की जो हमारे जो टीचर्स हैं उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, ट्रिक्स है सर, अदरवाइज शायद किसी के पास नहीं होगी। चालू करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऑन करिए। तो फाइनली ये देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन कम्प्लीटली अभी दिख जाएगा आपको। फिर से बैटरी लगा लीजिए। ऑन ऑफ का पत्ता लगा है? लगा है, पूरा लगाओ, पूरा। ऑन ऑफ का पत्ता सही से लगाइए, पूरा। ट्विज़र से कर लो, ट्विज़र से यहाँ पे शॉर्ट करो। अरे वहाँ कोई नहीं लगा था, पत्ता ही नहीं लगा था, इसलिए नहीं होना। चलो ठीक है, लगा लेगा। देखो सर, ये मेरा फोन। तो ये देख सकते हैं फोन इनका कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। ये तुम्हारा लगेगा ऐसे, ठीक है, ऐसा लगेगा, प्रॉपर ऑन हो रहा है सर। तो ये ऑन हो जा रहा है, तो कैसा लग रहा है बताइए? IC लेवल का काम कर रहा है। तो जो हमने चार दिन में बोलते हैं कि हम CPU निकलवा के लगवा देंगे, ये देख सकते हैं सेकंड बोर्ड पे चला गया फोन। तो कैसा भी फील कर रहे हैं अभी आप? सर मैं मतलब एक मतलब ऑन फोन को मैंने CPU निकालने के बाद फिर दोबारा से लगाया, तो उसे लगाने के बाद मतलब इतना बेटर फील हो रहा है कि मैं उसका मतलब कोई ऐसा बता नहीं सकता सर, बता नहीं सकते। हाँ, बहुत मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि तो पहले हम बोलते हैं चार दिन में वापस जाने का, तो क्या वापस जाएंगे? नहीं सर, वापस नहीं जाएंगे, तो यही रहेंगे, तो यही रहेंगे। तो फाइनली चालू हो गया। स्टूडेंट और हैं, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? गौरव, राजस्थान से। गौरव जी, आज हमारी कौन सी किसी क्लास चल रही है? सर आज हमारी IC माउंट रिमाउंट की क्लास है, जिसमें हमने 4G CPU और बोर्ड से निकाल के वापस माउंट किया। ये बगल वाले का जैसा दिख रहा है, बगल वाले का ले लिया क्या? नहीं सर, आपका? नहीं सर, मेरा काम किया आपने। यस सर। तो चलिए अभी फिलहाल ऑन करके दिखाइए, जब तक ये ऑन होता रहेगा तो हम आपसे बातें करेंगे कुछ। पहले फ़ोन ऑन करके दिखाइए, क्योंकि हमने शुरू में ही सबका फ़ोन लाइव दिखा दिया था, कैसे सारे स्टूडेंट काम कर रहे थे, हमने खुद लाइव दिखाया हुआ है, आप जाके लाइव देख सकते हैं। क्या हुआ? वो तुम्हारा वाला है? मैं बोला था ना CPU रिवॉल्व करेगा, वो भी हो जाए। तो ये देख सकते हैं फोन कंप्लीटली ऑन हो चुका है। तो बताइए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, CPU पे काम करके। यस सर। इससे पहले करते थे आप? नहीं सर, पहले कभी नहीं, कभी नहीं करते थे। तो अभी हम उसको पूरा चालू होने देंगे। अब ये फर्स्ट बूट पे है, अभी सेकंड बूट पे भी जाएगा, ये देख सकते हैं सेकंड बूट पे भी चला गया। तो बताइए कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। तो जो हम चार दिनों बोलते थे आपसे, पावर आपने पावर लगाया? पावर भी लगाया सर, और CPU भी लगाया, इसी फोन का लगाया सर। एक फोन में इतने सारे काम हमने कर दिए, तो कैसा लग रहा है बताइए? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। बहुत बढ़िया लग रहा है। इससे पहले कोई काम करते थे आप? नहीं सर, पहले। यहाँ की ट्रिक कैसी है? बहुत बढ़िया है सर, फर्स्ट टाइम में ही हो गया ये। फर्स्ट टाइम में हो गया सर। तो ये ट्रिक की बदौलत है कि? ट्रिक की बदौलत है सर, ट्रिक की बदौलत। कैसा लगा ट्रिक? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लगा। तो इसी टेक्निक से आप काम करेंगे, तो आई होप आगे चल के भी आपका काम होगा। यस सर। मेन मैटर ये है कि आपको IC लगाने निकालने का मैटर समझ में आया? यस सर, बिल्कुल। कैसे निकालना है, कैसे लगाना है? यस। तो ये फिलहाल ये देख सकते हैं, ये फाइनली चालू हो चुका है, हमारा ऑन हो चुका है, ग्राफिक्स नहीं दिखाएंगे, और ये फाइनली ऑन हो चुका है। तो कैसा लगा बताइए? बहुत बढ़िया लगा। राजस्थान से अगर कोई आना चाहे तो? राजस्थान से कोई आना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है। ऐसा वसूल हुआ कि? यस सर, बिल्कुल होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।
तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम अजीम है और मैं तेलंगाना से हूँ सर। अजीम तेलंगाना हैदराबाद से हैं आप। अजीम जी बताइए आज हमारी किस चीज़ की क्लास चल रही है? सर आज सुबह में तो पहले हमने बॉलिंग प्रैक्टिस की थी। ओके फिर और अभी फुल डे प्रैक्टिस, आज प्रैक्टिकल क्लास चल रही है फुल डे शुरू सुबह से लेकर। हाँ सर। ओके और अभी ये एक ऑन फोन था एमआई का। ओके जिसका सीपीयू जो यहाँ पे सीपीयू है ये सारा सील्ड एक जैसा कटा हुआ है, तो कहने का मतलब कोई अगल बगल का फोन तो नहीं उठा रहा है? नहीं नहीं सर ये बस अभी किए वाला है और ये चली पावर ऐसे किया था और अभी ये सीपीयू किया है। ओके अभी चालू करके दिखाइए, जब तक चालू हो रहा है तब तक हम बातें कुछ करेंगे। ये ऑन है कि नहीं है एक बार ऑन करके दिखाइए। तो दिखाइए ये देख सकते हैं फोन ऑन हो गया। तो बताइए जिम जी कैसा लग रहा है अभी लाइव? बहुत अच्छा लग रहा है सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। हाँ सर। तो इससे पहले काम करते थे आप? सर काम करता था बट सिर्फ डिस्प्ले डालना टच और वो सब करता था, ये बोर्ड का काम कभी नहीं किया। बोर्ड का काम कभी नहीं किया? कभी नहीं। आईसी लेवल का काम, लोग तो पावर नहीं निकालते आप तो सीपीयू निकाल रहे हैं। हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए सेकंड बूट पे चला गया है और ये फाइनली ऑन होगा, और जब तक ऑन होता है तब तक हम इनसे बातें करते हैं। तो बताइए चार दिन में जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जा सकते हैं, तो क्या आपका इरादा है जाने का? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, और जाएंगे तो पूरा सीख के जाएंगे सर। सीख के जाएंगे। तो क्योंकि आपको पता चल गया कि चार दिन में क्या नॉलेज मिलेगी और क्या मिलने वाली है। हाँ सर टेक्निक जो मिल रही है वो टेक्निक्स ही सब इम्पोर्टेंट है, वही सब जानना है सीखना है। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट कर रहे हैं केवल आपसे हो रहा है? नहीं सर सभी कर रहे हैं। जैसे आप रिव्यू दे रहे हैं अभी और इससे पहले भी स्टूडेंट रिव्यू दे रहे हैं, तो ये देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो कैसा लग रहा है फाइनली वाला? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये लाइव भी कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल, तो बस वेट कर रहा हूँ कि कब शॉप पे जाओ और कब वहाँ पे जाकर काम स्टार्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। सर एक स्टूडेंट और, अपना नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अनुज जी आज किस चीज़ की क्लास कराई जा रही है? आज मेरी फुल प्रैक्टिकल क्लास थी, लाइव सेट 4G हैंडसेट का सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करके दोबारा फोन दिखाइए। किस फोन में काम कर रहे थे आप? ये मेरा ये नाम डाला हुआ है। जी 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 पलट के दिखाइए, तो देख सकते हैं इन्होंने काम किया हुआ है, इतना फिनिशिंग के साथ काम किया हुआ है। इसी फोन में आपने पावर किया था? यस सर इसी फोन में पावर किया था। तो एक बार चालू करके दिखाइए और ऑन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर, फर्स्ट अटेम में मैंने पावर किया था और फर्स्ट अटेम में सीपीयू किया है। चलिए ठीक है, तो इससे पहले आप काम करते थे क्या? नहीं सर आईसी लेवल पर कोई काम नहीं किया, फर्स्ट टाइम किया। तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, ऐसी यहाँ पे ट्रिक मिल रही है कि दोबारा की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगाने की, एक ही बार में काम हो जाएगा मेरा। चलिए ठीक है, फिलहाल ऑन करिए और बातें करेंगे हम। तो देखते हैं कि ऑन हुआ कि नहीं हुआ इनका फ़ोन। तो गाइज अभी ये फाइनली देख सकते हैं फ़ोन ऑन हो चुका है। तो बताइए अनुज जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो जैसा कि हम बोलते हैं कि चार दिन में आपसे सीपीयू निकलवा के लगवा देंगे, जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं आप और आपसे ये चीज़ें बोली जाती हैं, तो आपको कैसा लगता है कि ये कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी? ये जैसा बोला जाता है उससे ज़्यादा कुछ मिलता है, और जो बोला गया था तीसरे दिन में पावर लगवाया जाएगा, चौथे दिन में सीपीयू लगवाया जाएगा, वो लगवाया है और वो चालू हुई है। आगे भी जो भी कंसेप्ट बताया तो उम्मीद है कि वो पूरा मिलेगा? बिल्कुल पूरा होगा और उससे ज़्यादा होगा जो बताया गया था मुझे। पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पैसा वसूल तो पहले ही दिन हो गया था सर मुझे। अच्छा पहले दिन हो गया था, बस अब तो काम सीखना है खाली। काम सीखना है, क्या बात है, मतलब पैसे की अहमियत नहीं है? नहीं सर और ट्रिक की अहमियत है। यस यस, क्योंकि ये ट्रिक एक बार मिल गया तो ऐसे कैसे? ये ट्रिक सिर्फ ऐसी है टेलीकॉम में मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है। और कहीं नहीं मिल मैंने सकता कभी है। भी फैन की 4G हैंडसेट क्या 2G किसी की आईसी कभी उठाई नहीं थी, पहली बार इसमें पावर भी लगा दिया और सीपीयू ऑन बोर्ड से। ऑन बोर्ड डेड में प्रैक्टिस करते हैं हम, तो यहाँ पे ऑन पे कर ऑन में किया है और एक ही बार में हो गया है। तो ये एक बार पावर की दवाई का शायद चार्ज नहीं है क्या? यस चार्ज। ओके कोई नहीं, तो बताइए अनुज जी कैसा लग रहा है? क्योंकि सेकंड बूटिंग पे चला गया था, मैं यहाँ पे सेकंड बूटिंग में भी दिखा दूंगा, क्योंकि चालू होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मैं आपको सेकंड बूटिंग दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं सेकंड बूटिंग आ गया है, चालू हो जाएगा। तो बताइए अनुज जी फाइनली कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पैसा वसूल लेके आए थे उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे। पैसा वसूल है? पैसा तो वसूल हो चुका है। सर नाम और आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम सोनंद है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हैं, तो देखिए आज हमारी क्या किस चीज़ की क्लास चल रही है? आज एंड्रॉइड मोबाइल से सीपीयू को निकाल के। अच्छा एंड्रॉइड लोग बोलते हैं, लोग 5G 4G बोलते हैं 2G बोलते हैं, हमें एक बात बताइए आप, क्या एंड्रॉइड 2G हो 4G हो 5G हो कीपैड हो सीपीयू तो सीपीयू होता है ना? नहीं किसी भी सीपीयू को निकाल के लगा सकते हैं, केवल 4G लगा सकते हैं केवल? नहीं सब लगा सकते हैं सर, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना लोगों की एक मानसिकता है कि 5G 4G ऐसा सोचते हैं। हमें एक बात बताइए, चाहे वो उस पर 2G लिख दिया जाए तो
तरीका अलग हो जाएगा क्या? तरीका अलग नहीं है, ये शेड्यूल कम आएंगे ना तो सब सब लगाने का तरीका एक ही बता देंगे कि क्या ऐसा। देखिए सर, किसी भी आईसी को निकालने का कैसे है, लगाते कैसे है, एयर कितना होना चाहिए, हीट कितना होना चाहिए, ये मायने रखता है, ना कि 4G 2G 5G। जो दर्शक देख भी रहे मैं उनको बोलना चाहता हूँ, ये एक टेम्परेचर होता है, कितने टेम्परेचर, कितने हीट, कितने सेफ्टी के साथ निकालना है। तो फाइनली बोर्ड दिखाइए एक बार, देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, कहीं से कोई डस्ट या फिर नहीं है। तो फोन ऑन हो गया कि नहीं हो गया? कितनी बार में हुआ? वन टाइम में। चलिए दिखाइए ऑन है कि नहीं, तब तक बूटिंग होगा तब तक हम कुछ बातें करेंगे। चेक करो उसका अपने बोर्ड में लगा। चार्जिंग एम्पीयर देखो कितना ले रहा है। चार्ज नहीं है क्या? नो चार्ज है सर। हाँ तो ये देख सकते हैं फाइनली फोन ऑन हो गया है, अभी सेकंड बूटिंग भी दिख जाएगी आपको। तो बताइए कैसा लग रहा है आईसी लेवल पे काम करके? सर बहुत जबरदस्त, हम करीबन मार्केट में 7 साल से काम कर रहे हैं। 7 सालों से काम कर रहे हैं, अभी तक हमको कभी अपना थर्मल रजिस्टर नहीं मिला अभी तक। जी इतना जी जी। 7 साल से ढूंढा जी, इधर एशिया टेलीकॉम में आया तो 5 मिनट में हमने थर्मल रजिस्टर ढूंढ लिया इधर आके। अब पहचान गए कि कैसा होता है, कॉइल की तरह दिखता है कि कैसा होता है। तो फाइनली हमें आप बताइए कि पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं? पैसा बिल्कुल देख सकते हैं सेकंड बूट पे यहाँ पे चला गया। इधर बोला दिया जाता है वीडियो में उससे ज्यादा ही होता है इधर आके। अभी तो 3 दिन की 4 दिन की क्लास हुई है केवल, अभी तो पूरा कंसेप्ट बचा हुआ है। अभी आपका ब्लैक पेस्टेड है, डुअल टेकर है, फिर आपकी सॉफ्टवेयर की क्लास है। इधर का जो कोर्स डिजाइन किया है, इधर आके हमने जो सिलेबस देखा ना उसके अकॉर्डिंग हमको बहुत कुछ मिलने वाला है ऐसा लगता है हमको, और अभी तक इतना मिला है कि हम बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकते, ये दिल से बोल रहे हैं। दिल से बोल रहे हैं। तो अभी आपके पैसे वसूल हुए कि नहीं? पैसा ऐसा लगता है हमने पैसे दिए नहीं, पैसा दिए भूल गए सर हम, पैसे दे सकते हैं। फाइनली ये फोन चालू हो चुका है। तो बताइए फिलहाल कैसा लग रहा है लाइव 4G पे काम करके? सब पहली बार हमने लाइव 4G पे काम किया है जी जी, वन टाइम में हो गया इसका जॉब डन। जॉब डन हो गया लाइव? आप अगर आपसे लाइव कराया जाए तो हो जाएगा सर? हो जाएगा। स्ट्रिक ऐसा मिला, हाँ स्ट्रिक ऐसा मिलता है कि कोई भी बोला जाता है वीडियो पे, हम देखते हैं कि किसी सब्जी वाले को भी उठा के लाओ हम 4G लगवा देंगे ना, तो एकदम 100% बात सच है। जी जी चलिए, कोई भी लगा देगा अगर इसी टेलीम काम आएगा तो। जी 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 चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम है सर, गुजरात से हूँ। गुजरात से हैं, तो आज हमारी किस चीज़ की क्लास चल रही है? CPU की। आज हमारी माउंट रिमाउंट की क्लास चल रही है, तो चौथे दिन में हम जैसा कि बोलते हैं वैसा कराते हैं। हाँ, तो पहले फोन दिखाइए, आपने इस फोन में ही किया हुआ है? हाँ, इसी में। आपकी का फोन है किसी और का फोन है? नहीं सर मेरा ही। चलिए ठीक है, चालू करके दिखाइए ऑन है कि नहीं। ऑन है। तो ये देख सकते हैं फोन ऑन हो चुका है। तो कितनी बार में जॉब डन हुआ बताइए? सर दूसरी बार में हो गया। पहली बार में क्या गलती हुआ था? सर मेरे से CPU गलत लग गया। सही बात है, जो भी है सच बोलेंगे। पहले दिखाइए फोन कम्प्लीटली चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं फोन ये फास्ट मोड पे जा रहा है, तो ये पहले ही जा रहा था? नहीं, पहले ही जा रहा। तो ये सॉफ्टवेयर का इशू है जैसा कि मैं बता दूं, क्योंकि आप बोलेंगे पावर की का इशू नहीं है, क्योंकि पावर की यहाँ पे होता है कि लगा हुआ है, पर यहाँ पे ये जा रहा है फास्ट मोड पे जा रहा है, क्योंकि पहले से था कि ये CPU रिकॉल करने के बाद आया? नहीं पहले से था। पहले से था, ये सॉफ्टवेयर का इशू है। तो बताइए कैसा लग रहा है आईसी लेवल पे काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले करते थे? नहीं सर। यहाँ पे जो ट्रिक बताई गई, जो आपको समझाया गया, तो कैसा समझाया गया? बहुत अच्छा सर। ऐसा तो नहीं बताया जाता कि अरे एक बार नहीं कर पाओगे या फिर बार बार ऐसा? नहीं नहीं ऐसा। तो CPU पे काम करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। तो अभी आपको 4 दिन में बोला जाता है कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस जाना है, वापस जा सकते हो। वापस जाएंगे आप? नहीं सर। क्यों नहीं जाएंगे? नहीं सर, इधर काम सीखने मिल रहा है ना। जी जी, तो काम सीखने को सच में मिल रहा है सर? आज पूरा दिन प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है अब सर? पूरा दिन। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। कहाँ से? रमेश कुमार, उत्तर प्रदेश। रमेश जी थोड़ा तेज बोलिएगा। तो रमेश जी आज पूरे दिन से क्या कराया जा रहा है और कितने दिन की क्लास हो गई? आज 4th की क्लास है सर जी। क्या कराया जा रहा है पूरा दिन? एमसी रिवाइज कर रहे हैं सर। आज पूरा मतलब वर्किंग पीरियड है, मतलब पूरा प्रैक्टिकल कराया जा रहा है सर। आज CPU माउंट रिमाउंट की क्लास थी लाइव। तो CPU पहले आप बताइए किस फोन पे आपने काम किया था? MI 5 पे। इस पे आपने काम किया है? जी सर। आप ही का बोर्ड है ये? जी सर। तो चलिए इसको चालू करके दिखाइए ऑन है कि नहीं। तो ऑन हुआ कि नहीं हुआ? ऑन है सर। कितनी बार में ऑन हुआ? पहली बार में। वन टाइम में हो गया? जी सर हो गया। पहली बार में क्या गलती हुई थी? पहली बार गलती हो गई थी। अच्छा, मतलब अच्छे से रिवॉल्व नहीं हो पाया था। तो अभी हो गया? जी सर। चलिए दिखाइए चालू करके। तो फाइनली ये देखेंगे, फिर जब तक ये फ़ोन ऑन होगा तब तक उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे।
पावर की देखिए सही से लगाया, तो देख सकते हैं फ़ोन ऑन हो गया है। तो जब तक ये ऑन होता है तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो बताइए, जैसा कि हम बोलते हैं कि चार दिन में आपसे हम लाइव काम करा लेंगे, लाइव सीपी भी, तीन दिन में पावर कराएंगे, फिर चौथे दिन में सीपी कराएंगे, तो क्या एक्चुअल में वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया जी सर। तो जो आप सोच के आए थे मन में कि अरे हम वहाँ पे जाएंगे, क्या पता चार दिन में जो बोलते हैं वो पूरा होगा भी कि नहीं होगा, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। तो जो आपका आने का डिसीजन सही रहा कि नहीं रहा? सही रहा। पैसे वसूल हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे। तो ये फ़ोन अभी स्टक लोगों पे है और अभी ऑन हो जाएगा, तो कैसा लग रहा है फिलहाल बताइए? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये सेकंड बूट पे चला गया है, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, सेकंड एंड्रॉयड पे आ गया ये फ़ोन। तो इससे पहले आप करते थे ऐसी लेवल पे काम? नहीं सर। कहाँ सीखे आप? कहाँ सीखे आप फिर? यूट्यूब। नहीं मतलब इससे पहले आप करते थे ऐसी लेवल पे सर? एशिया टेलीकॉम। एशिया टेलीकॉम में सीखे आप। तो यहाँ पे कैसा सिखाया जाता है, यहाँ का ट्रिक कैसा है? ट्रिक अच्छा है। अगर कोई यूपी से आना चाहे तो क्या बोलना? आ सकता है सर। आ सकता है कि आना ही चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अगर उसको काम सीखना है आईसी लेवल का, जी जी, मोबाइल रिपेयरिंग का, जी, तो एशिया टेलीकॉम ओनली। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं ये अभी चालू होगा और ये सेकंड बूट पे है और ये फ़ोन ऑन हो जाएगा कम्प्लीट। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सचिन बेहरा है। सचिन जी कहाँ से हैं आप? उड़ीसा। उड़ीसा से हैं। सचिन जी बताइए, आज कितने दिन की क्लास हो गई? आज चार दिन की। चौथे दिन की क्लास चल रही है। तो क्या एक दो घंटे की क्लास थी कि कंटिन्यू सुबह से कितने बजे आ पाए थे? सुबह 8 बजे से 10 बजे आ पाए थे। आज ही 10 नहीं तो 8 बजे आना पड़ता। हाँ 10-8 बजे आना पड़ता था। तो बताइए आज क्या कंसेप्ट था, क्या कराया जा रहा था? आज लाइव 4G ऑन मोबाइल से 4G आईसी निकाल के। तो दिखाइए फोन, दिखाइए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा हिंदी बोलने में इनको दिक्कत है, बता दूँ। ये काम किया, चलिए ऑन हुआ कि नहीं हुआ? ऑन हुआ सर। चलिए चेक कराइए। तो इनको थोड़ा हिंदी बोलने में दिक्कत है क्योंकि ये उड़ीसा से हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि ऑन हुआ कि नहीं हुआ, फिर कुछ बातें करेंगे इनसे। तो ये देख सकते हैं फ़ोन यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो बताइए कैसा लग रहा है सीपी पे काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले आप करते थे काम? करता था लेकिन इतना एडवांस नहीं करता। आईसी लेवल पे काम नहीं करते थे। तो यहाँ पे आप आके चार दिन में लाइव सीपी लगा करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देख सकते हैं सेकेंड एंड्रॉयड बूट पे चला गया फ़ोन, ये कुछ ही समय में चालू हो जाएगा। तो अभी आप ऑन करके कैसा फील कर रहे हैं और आपका डिसीजन कैसा रहा? ऑन करके बहुत खुशी लग रही है। जी जी। और डिसीजन आप ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करने का कैसा रहा? सोच रहा था आगे आने से पहले, सोच रहा था क्या होगा क्या नहीं। जी जी जी। तो डर लग रहा था। तो अभी कैसा लग रहा है डर? अभी आके फर्स्ट दिन से ही हमारा कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर। ओके ओके ओके। तो ये भी चालू हो गया फाइनली। तो कैसा लग रहा है अभी, क्या फील कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम है आयन, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। नाम एक बार फिर से बोलिए। मेरा नाम है आयन। आयन, आयन जी वेस्ट बंगाल से हैं आप। तो आज क्या कंसेप्ट, क्या कराया जा रहा है आज? आज सर सीपीयू को रिवॉल्व किया, जो कि लाइव एक माउंट रिमाउंट की क्लास थी, जैसा कि पहले सर ने आपको पूरा बताया कैसे निकालना है कैसे लगाना है। तो किस बोर्ड में काम किया था आपने? इस बोर्ड पे काम किया था, रेडमी 5A का मोबाइल है जो चालू था। अच्छा, सबके पास 5A है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगल बगल का फोन एक दूसरे का लेकर के रिव्यू दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है क्या? मेरा खुद का मोबाइल है, मैंने सब कर रहे हैं। जी सर। सर चलिए ठीक है, चालू करके दिखाइए। ऑन हुआ ये? हाँ ऑन हुआ। कितनी बार में जॉब डन हुआ? मेरा दो बार में हुआ। दो, पहली बार में क्या? पहली बार में मैंने ठीक से रिवॉल्व किया था पर सही से नहीं लग पाया, नहीं लग पाया था, इसलिए चालू नहीं हुआ। तो आप झूठ भी तो बोल सकते थे कि एक बार में बोल सकते थे आप? नहीं नहीं, मेरे जितने बार में हुआ था मैं उतनी बार में ही बोलूँगा। चलिए ठीक है। तो ये देख सकते हैं फोन ऑन हो गया है। तो बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सीपी पे काम करके? लाइव सीपी में तो हम पहली बार काम कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले नहीं, सीपी में यूएमसी में कभी काम नहीं किया था। ओके ओके, बस नॉर्मली काम करता था। ओके ओके ओके। तो अभी ये फर्स्ट लोगों पे है, अभी सेकंड बूट एंड्रॉइड ये देख सकते हैं, सेकंड बूट भी आ गया है। तो बताइए कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। इससे पहले करते थे आप? नहीं, पहले आईसी में नहीं काम करता था, तो यहाँ पे आने के बाद इस चार दिन में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हमने
आईसी को रिवॉल्व किया और फिर से लगाया तो चालू भी हो गया। मतलब यहाँ का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है सर, बहुत ही अच्छा है। कोई वेस्ट बंगाल से आना चाहे, आपका पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ? पैसा तो वसूल हो रहा है सर। हो रहा है, कोई भी आ सकता है, आना चाहता है तो जरूर आ सकता है यार, यहाँ पे आना ही जरूरी है। आ सकता है कि आना चाहिए? आना तो जरूरी है क्योंकि अगर अपडेट होना है इस फील्ड में तो बिना नॉलेज अपडेट होना है तो आना ही पड़ेगा। बिना नॉलेज के कुछ पॉसिबल नहीं है। देख सकते हैं फोन ये कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, टच का शायद पत्ता नहीं लगा होगा। ये फाइनली ऑन हो चुका है, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, चलिए पहली बार में ही काम किया। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और, आपका नाम और कहाँ से आप? मैं उत्तर प्रदेश बलिया से, राजकुमार। राजकुमार जी उत्तर प्रदेश से हैं आप, तो आज कितने दिन की क्लास होगी? आज मेरा 4 दिन का क्लास है। क्या कराया जा रहा है आज? CPU निकाल कर बॉलिंग किया और 5 सेट पर काम किया। तो दिखाइए फ़ोन, दिखाइए एक बार, ऐसा पीछे दिखाइए, पीछे दिखाइए। इसी फ़ोन पे आपने काम किया है? जी जी। तो ये किसी दूसरे का फ़ोन तो नहीं है? नहीं, मेरा है, ये रेडमी का। चलिए ठीक है, चालू करके दिखाइए ऑन है कि नहीं। कितनी बार में जॉब डन हुआ है? फर्स्ट बार में हो गया। जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं सर, झूठ नहीं बोल। तो अभी तक ऑन नहीं हुआ है, देखिए पावर की लगा है कि नहीं लगा है। लग गया, चालू हो गया, चालू हो गया था, कोई बात नहीं, फिर से करिए। तो ये देख सकते हैं ऑन हो गया। तो राजकुमार जी कैसा लग रहा है सीपी पे काम? अच्छा लग रहा है। इससे पहले करते थे आप? नहीं सर, नहीं करते थे। तो अभी यहाँ पे लाइव काम करके सीपी पे पावर भी किया था कल आपने? हाँ जी सर, चालू हुआ था। चालू अभी आपने सीपी पे भी काम किया, तो ये कितनी बार में जॉब डन हुआ है? वन टाइम में हो गया। वन पर। तो अभी सीपी पे काम करके कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हैं सेकंड बूट पे चला गया है फोन हमारा, सेकंड बूट पे चला गया है, अभी चालू भी हो जाएगा ये। तो इससे पहले काम करते थे आप आईसी लेवल? नहीं सर, नहीं करते। नहीं नहीं। तो अभी आईसी लेवल पे काम करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। राजकुमार जी एक बात बताइए कि बोलते हैं कि 4 दिन में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप रिटर्न वापस जा सकते हैं? जी जी, अपना पैसा लेकर रिटर्न वापस जा सकते हैं। तो आप जाएंगे कल? नहीं सर, मैं क्यों जाएगा, इतना अच्छा काम सीखने को मिल रहा है तो मैं क्यों जाएगा? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो इसका पीछे का रीज़न क्या है, नहीं जाने का रीज़न क्या है? मतलब क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों नहीं सर, इतना अच्छा हमको। तो ये देख सकते हैं फाइनली ये फ़ोन चालू हो चुका है, ये फ़ोन फाइनली चालू हो गया। तो कैसा लग रहा है राजकुमार जी बताइए? अच्छा लग रहा है। पैसा वसूल है कि नहीं? वसूल है सर, मैं तो बोलना चाहता जिसको आना है वो जल्दी आए। जल्दी है? हाँ जल्दी आए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और कहाँ से हैं? सर मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है, जिला मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ। मोहम्मद जी यूपी से हैं आप? तो मोहम्मद जी आज कितने दिन की क्लास हो गई? आज 4 दिन, चौथा दिन है सर। क्या कराया जा रहा है मोहम्मद? ऑन फोन से जो 4G फोन है उससे CPU निकलवा के रिबोलिंग करा के लगा रहा है। चालू बोर्ड से? चालू बोर्ड। फोन दिखाइए। अच्छा ये एक जैसे सारे फोन दिखाई दे रहे हैं, तो ये किसी दूसरे का तो उठा के नहीं लगा? नहीं सर, अपना ही लगाया है। अपना ही लगाया? जी जी, अपना ही लगाया। देख सकते हैं फोन ऑन हो गया है। तो चलिए मोहम्मद जी बताइए ये कितनी बार में चालू? सर इसमें 5 बार CPU रिबोल करके लगाया है। 5 बार? 4 बार क्या गलती? 4 बार, एक बार पावर टूट गई थी, 2 बार रिबोलिंग सही नहीं हुई थी, इस वजह से थोड़ा दिक्कत। तो आप एक बार भी तो बोल सकते थे? नहीं सर, जो प्रॉब्लम थी तो मतलब अपने आ गया ही तो वो बताना चाहिए ना। 5 बार में सीखने को बहुत कुछ मिला? बहुत कुछ मिला सर, कि क्या गलती कर, क्या गलती कर रहे हैं, कैसे हमारी पावर डैमेज हो रही है। जी जी। तो ये जितनी गलती करते हैं उतनी सीख मिलती है, सीख मिलती है। जो एक बार में जिनका ऑन हो जा रहा है वो भी अच्छी बात है। जी जी। बट आपने 5 बार किया तो आपको 5 बार का एक्सपीरियंस मिल गया। जी जी। कि नेक्स्ट टाइम से वो काम आता है तो हम उसको बहुत जैसे सेफली तरीके से काम करेंगे। ये देख सकते हैं सेकंड बूट पे चला गया फोन हमारा। तो बताइए कैसा लग रहा है मोहम्मद? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो बोला जाता है कि 4 दिन में हम लाइव पावर और CPU करा देते हैं जी, मतलब वो जो फील होता है स्टूडेंट का वो कैसा, सही है कि नहीं? वो बहुत अच्छा होता है सर। अच्छा होता है? पहली बार किया है फिर भी बहुत अच्छा। पहली बार किया है? पहली बार किया है इसी लेवल पे काम। अच्छा, इससे पहले आपने? इससे पहले कोई काम नहीं है सर। तो ये अभी फोन फाइनली ऑन हो जाएगा थोड़ी देर से, तो बताइए कैसा लग रहा है अभी आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हो गया ऑन भी। ऑन हो गया, थोड़ा देख सकते हैं ब्राइटनेस कम है, तो ये फोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो मोहम्मद जी बताइए पैसा वसूल कर सके नहीं? सर पैसा वसूल करने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए आया, पर पूरा एक्सपीरियंस मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम। अभी तो केवल 4 ही दिन का हुआ है जी, अभी तो आगे बहुत कुछ सोच रहे हैं, आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? सर मैं बिकू प्रसाद हूँ जी, आपका आसाम से हूँ। बिकू जी आसाम से हैं, तो बताइए आज हमारी किस चीज़ की क्लास चल रही है? सर आज हमारा लाइव सेट से CPU रीमाउंट करने के लिए। तो ये केवल 1-2 घंटे की क्लास थी कि कितने टाइम की क्लास हो रही है अभी तक? सर आज हम लोग सुबह 10 बजे से लगे हुए हैं। जी जी, 10 बजे से पूरा प्रैक्टिकल चल रहा है पूरा। जी सर। तो चलिए अभी फोन की कंडीशन दिखाइए, फोन दिखाइए। फोन यही फोन है आपका? जी सर। चलिए ठीक है, चालू करके दिखाइए। ऑन हो गया है? जी सर। कितनी बार में ऑन हुआ? सर 2 बार में ऑन हुआ। क्या हो रही थी गलती?
सर पहला बार में तो बॉल अच्छे से कनेक्ट नहीं हुई थी जी जी जी, और दूसरा बार में क्या हुआ कि मुझे लगा कि आपका तो वो समझ देख सकते हैं ये फ़ोन ऑन हो चुका है, अभी सेकंड बूट पे ही फ़ोन चला जाएगा। तो बताइए बिकू जी कैसा लग रहा है इसी लेवल पे काम करके? सर मेरा लाइफ में आज मैंने फर्स्ट टाइम सीपीयू रिवील किया है। फर्स्ट टाइम किया आपने सर, तो सक्सेस हुआ है। सक्सेस हो गया है, अगर नहीं होता तो हार मान जाते क्या? नहीं सर, हार तो नहीं मानते। तो ये देख सकते हैं सेकंड बूट भी फ़ोन आ चुका है यहाँ पे, सेकंड बूट फ़ोन ऑन भी हो जाएगा थोड़ी देर में। तो बिकू जी इससे पहले आप काम करते थे आईसी लेवल पे? नहीं सर, आईसी लेवल पे तो काम नहीं करते थे। तो अभी काम करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो चार दिन में हम बोलते हैं कि लाइफ सीपीयू और पावर हम करवा देंगे, तो ये एक्चुअल में हुआ कि नहीं हुआ? जी सर, ये मतलब कि मैंने वीडियो में जैसे देखा रहा सुना जी रहा जी सर, जी। वो आके मुझे लाइव वैसे ही मिला, सेम वैसा ही मिला सेम। तो अभी आप पैसा वसूल कोर्स है कि नहीं? पैसा वसूल कोर्स मतलब सर, हाँ सर पैसा वसूल कोर्स है, लेकिन हमारे लिए तो सर नॉलेज ही काफ़ी है सर। नॉलेज काफ़ी है, पैसा मायने नहीं रखता। पैसा मायने नहीं रखता। अभी तो आपको आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट हो रहे हैं, अपना नाम और कहाँ से आप? मैं सर, मेरा नाम जय साहू जगन्नाथ साहू, बीएसपी से। नाथ साहू जगन्नाथ जी, कहाँ से हैं आप? बीएसपी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से हैं आप, तो बताइए आज किस चीज़ की क्लास चल रही है? आज सीपीयू माउंट रिमाउंट। माउंट रिमाउंट, तो आपने किस फ़ोन पे किया दिखाइए? ये मैं 5 में किया हूँ। तो ये फ़ोन चालू हुआ कि डेड हो गया? चालू हुआ, चालू फोन चालू, था, चालू करके मैं इसको फिर से करके चालू किया। तो ये किसी दूसरे का फ़ोन तो नहीं है बार बार? ये जैसा कि एक ही फाइव है सारा कंसेप्ट, तो ये किसी दूसरे का फ़ोन तो नहीं है? नहीं, नहीं, आप बाजू वाले का लेकर के रिव्यू दे रहे हो? नहीं सर, अपना खुद घर से। खुद का फ़ोन है, घर का फ़ोन है। तो बताइए कैसा लग रहा है सीपी पे काम करके? अच्छा लग रहा है सर, एक ऑन बोर्ड पे काम करने का एक अलग ही मज़ा होता है। जी देख सकते हैं सेकेंड बोर्ड पे फ़ोन चला गया, फाइनली अभी चालू भी हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चौथे दिन में जो हम बोलते हैं कि लाइव यहाँ पे सीपी पे हम काम कराते हैं, पावर पे काम कराते हैं, तो जितना दिन अभी हमने बोला वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? पूरा। आपके पैसे वसूल हुए कि नहीं हुए? अब पैसे की तो बात नहीं है, हम लोग सीखने आए हैं। सीखने आए, तो सीखने के लिए हम ये भी तो बोल के रखें कि अगर आपको चार दिन में समझ में नहीं आया था तो आप रिटर्न जा सकते हैं कल। तो जाना चाहते हैं आप? नहीं। तो ये देख सकते हैं फाइनली ये फ़ोन ऑन हो चुका है, फाइनली ये फ़ोन ऑन हो चुका है। तो कैसा लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक सर। हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद सलीम, मैं जम्मू एंड कश्मीर से। मोहम्मद जी बताइए आज हमारी कितने दिन की क्लास हो गई? सर आज हमारी चौथे दिन की क्लास। क्या कराया जा रहा है मोहम्मद जी बताइए? सर आज हमारा लाइव फोन में मतलब रनिंग फोन से CPU निकाला हमने, निकालने अलग माउंट रिमाउंट की क्लास थी। तो ये पहले बताया गया, करके दिखाया गया, उसके सर, तरीके से आपने किया? सर पहले दिखाया ना सर। जी जी जी, तो अभी फ़ोन दिखाइए किस फोन ने आपने किया? इंस्टीट्यूट में कैसे किया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, पहले हमें बताया गया सर। ओके ओके ओके, तो उसके बाद ही सर हमने वही तरीके से किया। तो ये फ़ोन कितनी बार में आपने चालू कर दिया? सर कुछ 10-15-20 मिनट लगे थे। नहीं, कितनी बार? 1 टाइम 2 टाइम? सर CPU तो एक ही बार किया, मगर कल पावर भी इसी पे किया था सर। अच्छा अच्छा जी सर। तो ये देख सकते हैं जो इसका पावर है वो CPU के बगल में ही है बिल्कुल सर, MMC CPU पावर बिल्कुल एक ही जगह पे है। अच्छा, फोन दिखाइए, सेकंड बूट पे भी नहीं गया, सेकंड बूट पे भी चला गया फोन। जी सर। तो बताइए मोहम्मद जी कैसा लग रहा है, जो हम बोले थे कि चार दिन में आपसे हम काम करा लेंगे? जी सर। तो कैसा लगा? बराबर सर, जो भी कहा गया है वो बराबर, अभी तो बराबर हो रहा है और अपने टाइम पे भी हो रहा है सर। टाइम पे भी हो रहा है जी सर। अच्छा एक बात बताइए कि ये सारे फोन 5 हैं और ऐसा तो नहीं दूसरे का एक दूसरे का फोन लेकर? नहीं सर, असल में दो चीजें हैं, दो रीजन है। एक सीखने के अंदर थोड़ा बहुत सर, ये मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ। एक सेकंड मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, ये फ़ोन देख सकते हैं ऑन हो चुका है कम्प्लीटली। जी सर। जी जी, चलिए बताइए सर। थोड़ा मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, 5A का मदरबोर्ड जो है सीखने के लिए इसलिए ज़रूरी है, इसका मदरबोर्ड थोड़ा सहन शक्ति है इसमें, क्योंकि नए नए फ्रेश स्टूडेंट आते हैं, टेम्परेचर का बहुत देर तक टेम्परेचर देते हैं, तो बॉडी फुल जाएगा तो फिर कितने फ़ोन पे सीखेंगे? नहीं, एक तो वो है, दूसरा तो बहुत अच्छा आपने बोला। मैं क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए ये फ़ोन ना होकर कोई और फ़ोन होता उस पर भी हो ही जाएगा सर। हो जाएगा। हाँ सर, CPU लगाने निकालने का कैसा तरीका होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए? हाँ, वो सब डिटेल में बताया गया, वही उसी पर हमने काम भी किया, तभी सक्सेस मिली सर। तो और सर ने हमें ये भी बताया कि ये CPU जो है नॉर्मल CPU के अंदर रिबॉलिंग में सबसे टफ है, सबसे टफ है। यस, यूनिवर्सल। हाँ सर, उन्होंने बताया यूनिवर्सल के अंदर, यूनिवर्सल के अंदर ये CPU बहुत टफ है, तो ये आप करेंगे तो इसके असल यूटेंसिल में जो इसके लिए आता है मॉडल वाइज
उसमें तो आपको हलवा लगेगा, बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। तो आपने यूनिवर्सल से किया है सर? यूनिवर्सल से कैसा लग रहा है? अभी ये यूनिवर्सल से ही किया सर। तो कैसा लग रहा है मोहम्मद जी? कुछ नहीं सर, अभी पहले तो बहुत जब सुनते थे रिबॉलिंग का सुनते थे वो लगता था उनकी इतने पॉइंट क्या करेंगे, कैसे बनेंगे, छोटा बड़ा बनेगा। जी जी जी, हकीकत है अभी मज़ा आता है सर। मज़ा आ रहा है? हाँ सर, मज़ा तभी आता है जब काम सीखने को मिलता है। जब सीख जाते हैं फिर मज़ा आता है सर। कुछ भी नहीं लगता, पहले लगता था एक एक दो दो घंटे लगेंगे एक रिबॉलिंग करने में। पैसा वसूल हो रहा है? अभी सर पाँच पाँच मिनट लगते हैं रिबॉलिंग करने में सीपीयू में सर। अच्छा, कैसा लग रहा है? पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ? सर पैसा धीरे धीरे ही वसूल होगा और हो रहा है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और कहाँ से आप? जी नितेश कुमार, अयोध्या से हैं सर। नितेश जी अयोध्या से हैं आप, तो आज हमारी कितने दिन की क्लास हो गई? चार दिन की हो गई सर। क्या कराया जा रहा है? सीपीयू माउंट रिमाउंट एक चालू फोन में, तो आपने किया हुआ है? यस सर मैंने किया हुआ। फोन पहले दिखाइए, पहले बोर्ड दिखा दीजिए। तो ये बोर्ड है और इस पर हमने किया हुआ है, तो चलिए ऑन हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा सर। करिए, कितनी बार में जॉब डन किया आपने? सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम में क्या गलती हो रही थी? फर्स्ट टाइम में सर रिबॉल नहीं बन रहा था ना। अच्छा, रिबॉलिंग नहीं हो रहा था, तो इससे चालू करिए। ये यहाँ पे ये तीसरे नंबर का है और ग्राउंड करिए। ये पॉइंट दिख रहा है ये वाला सर? आपको करना है एक सेकंड, रुको ऐसे करो ऐसे करो दही सर हमारे करो टच करो दिखाओ। ये देख सकते हैं फोन ऑन हो चुका है। ये देखिए, तो कैसा लग रहा है नीतीश जी लाइव 4G सीपीयू पे काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो जैसा कि हम बोलते हैं कि चार दिन में लाइव पावर सीपीयू लगवा सकते हैं, तो कैपिटल में हम वो पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, बहुत कर सकते हैं। तो अभी कैसा लग रहा है लाइव 4G सीपीयू? देखिए बहुत अच्छा, ये सेकंड बोर्ड पे चला गया गाइस, तो ये चालू होने में टाइम लगेगा। तो बताइए यहाँ पे इससे पहले करते थे आप? ना सर, इससे पहले नहीं करते थे। कहाँ सीखे आप? यहीं सीखे। अभी रिबॉलिंग में कोई दिक्कत, कॉम्प्लेंट में कोई दिक्कत? ना सर कोई दिक्कत नहीं। और ये जो इसकी सीपीयू आपने जो रिबॉल किया, किस स्टेंसर से किया है? यूनिवर्सल से किया है? यूनिवर्सल से किया है सर। कि प्रॉपर स्टेंसर से किया है? यूनिवर्सल से किया, यूनिवर्सल से किया हुआ है। तो कैसा लग रहा है यूनिवर्सल से सीपीयू एक रिबॉल करके, क्योंकि बहुत क्रिटिकल टास्क होता है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर कोई यूपी से आना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे? आ सकता है। तो ये फोन देख सकते हैं प्रॉपरली ऑन हो चुका है। तो कैसा लग रहा है बताइए, पैसा वसूल है कि नहीं? पैसा वसूल है सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? सर मैं फरीदाबाद से हूँ, राहुल देवा नाम मेरा। राहुल जी बताइए आज हमारी कितने दिन की क्लास हो गई? आज सर चौथा दिन है आज हमारा। चौथा दिन क्या कराया जा रहा है? सर आज पावर एसी का काम कराया है। पावर सीपीयू? सीपीयू सर। सीपीयू निकाल के लगा के, इधर देखिएगा, सीपीयू चालू फोन से निकाल के लगाने का था आज हमारा। तो आज आपने किया कि नहीं किया? किया है सर। तो किस फोन में किया दिखाइए? ये सर। चलिए ठीक है, तो चालू करके दिखाइए। तो देख सकते हैं फोन यहाँ पे चालू हो गया है। तो जब तक ये बूट हो रहा है तब तक हम बातें कर लेते हैं कुछ। तो बताइए इससे पहले आईसी लेवल पे काम करते थे? नहीं सर, यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर का ही काम था। ओके, सॉफ्टवेयर करते थे। तो यहाँ पे जो आपको आईसी सिखाया गया, जो रिवॉल्विंग सिखाई गई आपको, तो किस इंस्टेंसर से सिखाया गया? ये सर यूनिवर्सल था सारा कुछ। सीपीयू जो भी कोई है उससे भी यूनिवर्सल से ही किया आपने? सर सारा यूनिवर्सल। डुअल टेकर का भी सीपीयू आपने यूनिवर्सल से ही किया? तो मैं बात करूँ इससे पहले आप आईसी लेवल पे काम करते थे? नहीं सर, आईसी लेवल पे मैं सोचता था करने के लिए, पर मैंने कई बार कोशिश भी करी थी, माइक्रोसॉफ्ट सारा कुछ सिस्टम ने रखा है। अच्छा, रखा हुआ है। हाँ, पर कई बार करने की कोशिश करते थे पर वो मिस हो जाता था, सारा काम खराब हो जाता था, आईसी खराब हो जाती थी। देखिए सेकंड बूट पे गया क्या फ़ोन? तो सेकंड बूट पे फ़ोन चला गया है। तो बताइए कैसा लग रहा है अभी आईसी लेवल पे काम करके? सर अच्छा लग रहा है कि जो मैं सोच के आया था कि आईसी का काम है और ईएमसी का है, क्योंकि ये सर ईएमसी में ऐसा होता है सर, वो हार्डवेयर का ही पड़ता है। चालू हो गया जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या बोल रहे थे आप? सर ईएमसी का करना ही पड़ता है हमें। जी जी जी। तो अभी कैसा लग रहा है, आपने सही इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, पैसा वसूल हो रहे कि नहीं हो रहा? पैसा वसूल हुआ कि नहीं? बिल्कुल सर हुआ पैसा वसूल। हाँ सर, क्योंकि इस लाइन में आने के लिए फील्ड में तो उतरना ही पड़ता है, अपग्रेड होना पड़ता है, अपग्रेड होने के लिए सही जगह जाना ही पड़ेगा। और अपग्रेड नहीं होंगे तो कभी भी पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।
तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और अपना नाम और कहाँ से है? कमल सिंह मथुरा से सर, यूपी। कमल सिंह मथुरा से, यूपी से हैं, बहुत अच्छी जगह है। तो आज कमल क्या कराया जा रहा है पूरे दिन से? सीपीयू रिवोल्व कराया जा रहा है, सीपीयू चालू बोर्ड से लगाया जा रहा है। तो आपने काम किया? हाँ सर। दिखाइए किस बोर्ड में किया। चलिए ठीक है, चालू करके दिखाइए ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पूरा चालू करिएगा। तो गाइस जब तक ये पूरा ऑन होगा तब तक हम इनसे कुछ बातें करेंगे। ये देख सकते हैं फोन ऑन हो गया। तो कमल बताइए कितने टाइम में आपने इसको चालू कर दिया? सर तीन बार रिव्यू करा था जब जा चालू। क्या गलती हो रही थी दो बार? वो गलती जो बॉल शॉर्ट हो रही थी। बॉल शॉर्ट हो जा रही थी, मतलब बॉल बड़ी हो रही थी। हाँ जी। तो फाइनली आपने तीसरी बार में जॉब डन किया? हाँ जी। तो फाइनली चालू हुआ फोन? ये देख सकते हैं चालू हो गया। तो अभी सेकंड मोड पे जाएगा, अभी हम आपको दिए सेकंड मोड पे चला गया फोन, फाइनली ऑन करके भी हम दिखाएंगे। तो कमल जी बताइए इससे पहले काम करते थे आप? नहीं सर। तो अभी आईसी लेवल पे काम करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। तो आप इससे पहले बिल्कुल ही नहीं करते थे? नहीं सर। अब आपसे बोला जाए कि कमल जी चलिए लाइव काम किया जाए, तो आप लाइव काम कर लेंगे? हाँ सर। तो ये पैसा वसूल कोर्स है कि नहीं? बात पैसे की नहीं है, बात जिंदगी की सर। जिंदगी नॉलेज की? हाँ नॉलेज की। तो अब एक पॉलिसी और है कि अगर मान लीजिए चार दिन में आपको काम नहीं सिखा पा रहे हैं तो आप रिटर्न जा सकते हैं, तो क्या आप रिटर्न जाना चाहेंगे? नो सर। नहीं जाना चाहेंगे? नहीं सर। नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि ऐसे टेलीकॉम में अपना लाइफ बन जाएगा सर। लाइफ बन जाएगा। हाँ सर। ये देख सकते हैं तो ये फोन फोन पर चालू हो गया। तो चलिए ठीक है, तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे काम कर? अच्छा लग रहा है सर। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? प्रेम शर्मा फरीदाबाद से। प्रेम जी। जी सर। इधर देखिएगा, बताइए आज किस चीज़ की क्लास चल रही है? हाँ सर, आज हमने सीपीयू की आईसी को रिवॉल्व करके तीसरी बार लगाया सर। तीसरी बार लगा भी रहे? तीसरी बार में लगा दिया सर। अच्छा, तो फोन चालू है? जी सर। दिखाइए चालू कर। जी, वो पावर की निकला हुआ है तो आप ट्विजर से शॉर्ट कर लो। अच्छा लगा लो, कोई नहीं, आप ऐसे ट्विजर से शॉर्ट कर लो, ट्विजर से आप ऐसे कर लो। रुको एक सेकंड, रुको। पावर की लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। इधर दिखाइए इधर। सॉरी, दिखाइए ऑन हुआ क्या? जी सर ऑन हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पे लाइव सीपीयू पे काम करके? हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा। मेरे को कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लाइव सीपीयू पे काम कर भी पाऊंगा। इससे पहले मैंने अब तक कभी काम भी नहीं किया। तो आपने पावर भी किया इससे पहले? जी सर। तो चार दिन में सीपीयू जो जॉब डन हम कराते हैं वो सारे स्टूडेंट कर रहे हैं कि केवल आप कर रहे हैं? सर सारे स्टूडेंट कर रहे हैं सर, जो पहले रिव्यू दे चुके हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि पहले रिव्यू ले लो बाद में इनसे? नहीं नहीं सर, पहले सर काम बताते हैं, फिर काम करवाते हैं, फिर उसके बाद ही सर प्रैक्टिकल। काम होने के बाद ही, मतलब जॉब डन होने के बाद? देखिए सेकंड लोगों पे गया क्या? ये देख सकते हैं सेकंड बूट पे फोन चला गया है। जी सर। तो बताइए कैसा लग रहा है अभी? सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को तो ये लग रहा है कि अगर इससे पहले अगर मैं आज आ जाता तो मेरी फरीदाबाद में कहीं अच्छी सी दुकान खुली होती। अच्छा ऐसे ही सर। ये देख सकते हैं फोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो चार दिन में सीपी जॉब डन, पैसा वसूल है कि नहीं? जी सर पूरा प्रॉपर सर, पैसे की सर कोई बात ही नहीं है। जब सर क्या नाम है, पैसे तो एक बार गए सर, काम तो लाखों का मिलेगा सर। काम तो लाखों का मिलेगा, क्या बात। पैसे तो सर हम क्या नाम है एक महीने में ही कमा लेंगे सर। अगर आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा जो अपना इधर उधर कर रही है इससे अच्छा है ऐसे टेलीकॉम में आके अपना टाइम बर्बाद न करें, यहाँ कर अपना फ्यूचर बना लें। वहाँ अपना टाइम बर्बाद न करें, यहाँ कर अपना फ्यूचर बना लें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? नेपाल से हैं, प्रकाश। प्रकाश जी नेपाल से हैं आप? तो प्रकाश जी बताइए, पहली बात तो ये बताइए कि आपको समझने में लैंग्वेज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं सर। यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है कोई हार्ड तो नहीं सिखाया जा रहा है? नहीं कोई हार्ड। आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से? तो आपने आज सीपी का, हमारा आज कंसेप्ट था, तो आपने सीपी पे काम किया कि नहीं किया? किया सर। किया? यहाँ पे फोन चालू हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए दिखाइए चालू करके। देखो तो ये देख सकते हैं फोन ऑन हो चुका है। तो बताइए कैसा लग रहा है प्रकाश जी? एकदम अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? खुद से आपने सारा कुछ किया है? सब अपने समझ करके किया है। समझ करके? तो यहाँ पे मैं बात करूँ रिबॉलिंग में कोई दिक्कत आ रही है आपको? आ रही है, चार पांच बार। तो अभी आपने किया कि नहीं किया? प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं। पूरा दिन भर से प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। तो प्रकाश जी सेकंड बूट पे फोन चला गया है। तो बताइए इससे पहले काम करते थे आईसी लेवल पे? नहीं सर कभी नहीं। तो अभी आईसी लेवल पे काम करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। तो और जो आपने इसकी सीपीयू को जो रिवॉल्व किया है किस स्टेंसर से किया? यूनिवर्सल से किया है। पूरा काम यूनिवर्सल से कर रहे हैं? प्रॉपर स्टेंसर से तो नहीं किया? अगर प्रॉपर देंगे तो हो ही जाएगा, पर यूनिवर्सल से भी आप कर पा रहे हैं। तो ये फोन अभी देख सकते हैं ऑन हो चुका है प्रॉपर तरीके से। तो
प्रकाश जी कैसा लग रहा है यहाँ पे एसी टेलीकॉम ज्वाइन करके? अच्छा लग रहा है, सही डिसीजन रहा आपका एकदम। पैसा वसूल कोर्स है? पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं, नॉलेज के आगे पैसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप जो अभी चार दिन में कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा, हर एक दिन नया सीखने को मिल रहा है? चलिए ठीक है, थैंक यू। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? सुशांत, उड़ीसा से। सुशांत जी उड़ीसा से हैं, तो आज क्या कराया जा रहा है? आज क्या, कितने दिन की क्लास होगी? आज फोर्थ डे की क्लास है। जी जी जी, तो फोर्थ डे की क्लास में क्या कराया जा रहा है? आज हमारा टॉपिक था लाइव बोर्ड से, लाइव ऑन बोर्ड से माउंट रिमाउंट की क्लास थी। तो आपने इस फोन पे काम किया है? हाँ सर। तो ये ऑन हुआ कितने बार में जॉब हुआ? दो बार करना पड़ा। क्या पहली बार में क्या गलती हो रही थी? वो थोड़ी शॉर्ट हो गई, शॉर्ट हो गया था। दो बार शॉर्ट हो गया, फिर तीसरी बार चालू हो गया। तीसरी बार चली दिखाई चालू हो रही है। ये देख सकते हैं इन्होंने पावर की दवा दिया, सेकंड बोर्ड पे भी फोन चला गया। अरे तो ये भी तो हो सकता है कि दूसरे का बोर्ड हो और आपसे काम ना हुआ हो? नहीं सर, मैं खुद लाया था, खुद से आपसे अपने हाथों से लाया था। लगाने का तरीका, निकालने का तरीका, और रिबॉलिंग किस सिस्टम से किया आपने? हाँ, रिबॉलिंग का हमें दो दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तीन दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो किस स्टेंसर से किया? यूनिवर्सल से किया या प्रॉपर? यूनिवर्सल से किया। ये देख सकते हैं यूनिवर्सल स्टेंसर यहाँ पे रखे हुए, सारे जगह यूनिवर्सल ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे यूनिवर्सल से किया, ये भी यूनिवर्सल है। तो बताइए ओवरऑल यहाँ पे लाइव इस पे काम करके कैसा लगा आपका? अच्छा लगा। पावर की दवाई एक बार, चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं है। तो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपने सेकंड लोगो देख लिया था अभी? तो बताइए कैसा लग रहा है अभी आईसी लेवल पे काम करते? पहली बार काम कर रहा हूँ, सीपीयू आज ऑन बोर्ड से निकाला और लगाया तो अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। तो अगर लाइव आपसे कराया जाए कि चलिए लाइव काम करिए, लाइव काम कर पाएंगे सर? आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आने वाले स्टूडेंट को मोस्ट वेलकम सर एशिया टेलीकॉम। आपका पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, हो रहा है। अभी तो चार दिन हुए हैं, बाकी है और बाकी है अभी और। चलिए ठीक है। हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और कहाँ से? मेरा नाम सुभाष कुमार कसौधन, उत्तर प्रदेश से सर हूँ। सुभाष जी चलिए बताइए, यूपी से हैं आप, तो आज चौथे दिन में क्या कराया जा रहा है? सर क्या नाम है, हमने आज आईसी निकाला सीपीयू। आप बिल्कुल फ्रेशर हैं कि इससे पहले आप इस फील्ड में हैं? हम पहली बार काम करे हैं। पहली बार आप मतलब एज अ फ्रेशर एकदम आकर के आपने ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन किया है और आज चार दिन में आपने लाइव सीपीयू पे काम किया, जो कि ये फोन रखा हुआ है, तो ये ऑन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर एकदम। तो चलिए चालू करके दिखाइए, उस पर नहीं दिखाइए, दिखाइए एक सेकंड रखिए यहाँ पे, दीजिए ट्विज़र दीजिए। दिखाइए, तो ये देख सकते हैं फोन इनका ऑन हो चुका है। तो बताइए कैसा लग रहा है ऑन करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार किया है और सर हो गया है बिल्कुल एज अ फ्रेशर। देख सकते हैं यहाँ पे एमआई का लोगो आ गया है, अभी सेकंड बूट पे भी आ जाएगा। तो इससे पहले तो जाहिर सी बात है आप कुछ करते नहीं होंगे, देख सकते सेकंड बूट पे यहाँ पे फोन आ चुका है। तो कैसे सजेस्ट हुआ एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करने का? सर एशिया टेलीकॉम में आया तो सब कुछ। कैसे ज्वाइन किया आपने? यूट्यूब पे देख के सर, और मेरा एक दोस्त है सबरे आलम जी, वहाँ पे पहले भी यहाँ से सीख कर गया है, जो कि मुझे बताया कि तुम वहीं पे जाओ, कुछ करना हो लाइफ में तो। जी जी, तो वो डिसीजन आपके दोस्त ने जो सजेस्ट किया वो सही हुआ कि नहीं हुआ? सर एकदम बहुत अच्छा हुआ। तो अभी आपने जो ये काम किया हुआ है यहाँ पे, ये अभी भी लोग डरते हैं, पर देखिए एज अ फ्रेशर है आप, तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये देख सकते हैं फ़ोन यहाँ पे चालू हो गया है, ये चालू करने की क्लास नहीं है, ये कैसे निकालते हैं, लगाते हैं, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या हीट होना चाहिए? आप जो रिबॉलिंग कर रहे हैं वो किस यूनिवर्सल से कर रहे हैं? यूनिवर्सल से कर रहे हैं। तो कैसा लगा यहाँ पे? सब बहुत अच्छा लगा, एशिया टेलीकॉम में सबको मैं आने का मतलब कहूँगा, सब लोग आए यहाँ पे, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, आए एक बार यहाँ पे आना बहुत जरूरी। आपका पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं? एकदम सर पैसा वसूल हो रहा है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू।